अच्छा भाई, ये आए हैं नेपाल से। ये नेपाल से आए हैं भाई। मैं ये बना रही हूँ भाई पीयू के लिए मैगी। और शायद पूर्णिमा है आसपास, इसलिए इतना सुंदर चांद दिखाई दे रहा है। वो मन खुश हो गया भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सुमन कनबा व्लॉग। स्वागत है आप सबका। मैं ये बना रही हूँ भाई पीयू के लिए मैगी। और वीरा भी कह रही थी कि मैं मैगी खाऊंगी, लेकिन वो सो गई है भाई। शैतान के सोते ही पूरे घर में शांति हो जाती है, एकदम सन्नाटा। नहीं तो पूरे घर को बस सिर पे उठाए रहती है। ये देखे बाहर आज काफ़ी भाई हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है लेकिन हवा काफ़ी चल रही है। देखिए आपको पीछे पेड़ दिखाई दे रहा होगा, फ्लैग भी दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी हिल रहा है। तो काफ़ी ठंडी सी हवा, इसलिए हम बाहर बैठे नहीं, क्योंकि पुरु को फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई पुरु का भी ध्यान रखना पड़ता है। मम्मी और पीहू कर रही है भाई मैगी का वेट। पुरु अपने कमरे में सो रहा है। और ये देखिए वीरा भी सो गई है। मम्मी भी नींद में आ गए हैं थोड़े से। सर्दियों में तो कपड़ों में से निकलने का मन नहीं करता। उठ गए मम्मी भी। और ये शैतान देखो सो रहा है। तभी सारे घर में शांति का माहौल है। ये पीहू की आज थोड़ा सा फियर महसूस हो रहा था। और आज इसकी ऑनलाइन क्लासेस थी, पर इसने वो भी नहीं ली। आज फीवर हो रहा है, तो थोड़ा चल ही रहा है भाई फीवर का टाइम। तो अब हो जाएगी, अब इसकी मैगी बनने लग रही है। अब ये खाएगी भाई मैगी। तो चलिए बनाते हैं मैगी। चलो भाई, ये और बनने के लिए हो रही है रेडी। अब टाइम लगेगा भाई इसमें, तो अभी इसे ढक देती हूँ मैं। फ्रेंड्स, अभी मैगी खाई है, अभी खाई नहीं है, अभी खाने लग रही है पीयू। और तुरंत उसके पापा आ गए हैं नेपाल से घूम के, काफ़ी वेट कर रहे थे। वीरा भी काफ़ी पूछ रही थी पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, बुलाओ पापा को। तो देखिए बात करते, चाय भी निकल जाती है अभी। चाय पियेंगे अभी सभी। तो भाई मैगी छोड़ के एकदम से तुरंत पापा दिखते ही पापा के गले लग गई। कितने दिनों बाद पापा मिले हैं। तो अभी आ गए नहीं जी, और चलिए करते हैं उनसे भी बातें कि कैसा रहा उनका ट्रिप। ये देखिए भाई, ये आ गए हैं घूम के। नेपाल से मैं तो नेपाल और नैनीताल दोनों में कंफ्यूजन में रहती हूँ। नेपाल से। और कैसा रहा आपका ट्रिप? बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। नेपाल में हम गए थे नरेंद्र नगर जगह थी, नरेंद्र नगर। अच्छा, तो बढ़िया रहा। वहाँ का मौसम कैसा था? मौसम चलता है यहाँ का सेम ऐसे ही अभी तो। अच्छा, क्योंकि प्लेन है लेकिन वहाँ से पहाड़ दिखते रहे। पहाड़ों का थोड़ा टेम्परेचर ठंडा है वहाँ पर, थोड़ा सा आगे जाए पहाड़ है वहाँ से। दिखते तो ऐसे ही जैसे कि हमें 5 मिनट लगी जाने में, लेकिन काफी मजा लेके आए हैं भाई। आपको भी दिखाएंगे आप। बढ़िया, आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा कैप्चर करके, देखते हैं कैसी है। मेरे इतनी अच्छी तो बनती नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई किया है। चलो सही है भाई, अभी खाइए मैगी और चाय, एंजॉय कीजिए। और मम्मी देख रहे हैं फोटो की, कैसे कैसे फोटो आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखिए। नैनीताल से पहले और नेपाल से पहले हम गए थे जिम कॉर्बेट। अच्छा, तो जिम कॉर्बेट की हमने वीडियो बनाई है, जो वहाँ पे जैसे हाथी है, हिरन है, जिम कॉर्बेट वैसे फेमस है टाइगर्स के लिए। अच्छा, तो चलिए भाई देखिए वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में ही आज आपको मिलवाते हैं पापा जी। नमस्ते पापा जी। ये देखिए पापा जी को भाई अपना जो लोन है ना वो सुंदर रखना बहुत पसंद है। तो ये देखिए आज ये नए पेड़ क्या लगाए पापा जी आपने? गुड़ल की कलम लगाई, गुड़ल की मंत्र मंगवाए। अच्छा, गुड़ल की कलम। अच्छा भाई, ये आए हैं नेपाल से। ये नेपाल से आए हैं भाई। और ये देखिए ये जवारे हो रहे हैं।
ये उगने वाले हैं और ये अब थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ये अभी वहाँ है, ये आपको जैसे कि पता ही है। और ये पापा जी ने करी है सफाई सी। ये आई है पीहू। हाँ भाई पीहू, अब कैसे हो आप? सही हो? आपके बाल तो देख लो जरा कैसे हो रहे हैं। अपने आप तो कोम भी नहीं करना ऐसे इनमें। नहीं बिल्कुल भी नहीं करते आप भाई। नहीं पापा जी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया। तब बहुत दिनों से खराब हो रहा था ना। हाँ जी, तुलसी भी अच्छी हो रही पापा जी। एक साल से खराब हो रहा था ये। हाँ वो एक महीना और लगेगा। हाँ जी सारे पेड़ पौधे हो गए। हाँ ये खुदाई। हाँ जी कपड़े भी धुल गए हैं भाई। अब पापा जी इसमें लगे हुए हैं। अभी चाय भी है और आते हैं। मम्मी क्या कह रहे हैं भाई? अंदर हम इसे करते हैं पापा। अभी अभी चाय भी थी। और कौन से टाइम की ब्रश है आज? क्या लेके आए पापा आपके लिए? वाह देखो भाई इनकी नई ब्रश लेके आए इसके पापा। कैसे कैसे कार्टून है बच्चों को खुश करने के लिए। बस वीरा तो इतनी खुश हो रही थी कि बस पूछो मत। एकदम प्यारी सी ब्रश है। पता नहीं कौन सा कार्टून है भाई ये। नहीं ये है तो वो देखो एक शिप में ऊपर जाता है वो वाला रोबोट वाला, वो उसकी एक मूवी है। हाँ ओली ओली ओली। वीरा तो सो रही है। शैतान सो गया है, वो सोने लग रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। वो सो रहा है शैतान। टेलीस्कोप भी है साथ में। बढ़िया भाई चलो अभी क्या कर रहे हैं। मम्मी तो देखो बिग बॉस, साथ में मम्मी का लड्डू भी यही है। लड्डू गोपाल भी मम्मी के पास ही लेटा रहता है अपना। मस्त देख लो कैसी सुरक्षा कर रखी है सर्दी से। दोनों दादी पोता एक जैसे कंबल लिए हुए हैं अपने अपने, वाइट एंड ब्लैक वाइट एंड ब्लैक। ये मम्मी का फेवरेट चल रहा भाई बिग बॉस। ये देखिए बिग बॉस। चलो भाई हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए वीरा भी आपको हेलो कर रही है। हेलो देखो आज तो मैंने और वीरा ने सेम कलर पहन रखा है भाई। अरे क्या कर रहे हो वीरा? घूमने कर रहे हो? स्कूल रात में कौन स्कूल जाता है भाई? रात में कौन जाता है स्कूल ये तो बताओ जरा। पहले पहले फ्रेंड्स को हेलो तो बोल दो। हाउ आर यू? स्कूल जा रही है रात में कौन जाता है बेटा स्कूल? जूली जूली करना है। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना पीयू के स्कूल की, तो इसमें इसने बहुत सारे झूले झूले थे। तो अब ये कह रही है कि मुझे स्कूल जाना है और जूली जूली करनी है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए कपड़े भी सूख रहे भाई, कपड़े धोए थे मैंने शाम को। दिन में तो इतना टाइम लगता नहीं। स्पेशली जो मैं इस टाइम बाहर आके वीडियो बना रही हूँ उसका एक मोटिव है मेरा। देखिए आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। ऊपर देखिए वाह कितना सुंदर चांद है। मून, अरे क्या है वीरा? मून है। देखो वीरा बताओ वीरा क्या है बेटा? देखिए फ्रेंड्स कितना शांत और कितना प्यारा मौसम है भाई, बिल्कुल क्लीन। और शायद पूर्णिमा है आसपास, इसलिए इतना सुंदर चांद दिखाई दे रहा है। वो मन खुश हो गया भाई। कई बार शांति सी में मन लगता है ना कि जैसे शांति सी हो। और छत पे हाँ देखो पुराने दिन याद आ गए। गांव में जैसे गर्मियों में सब छत पे लेटते थे भाई। जरूर आप सब भी जरूर छत पे लेटते होंगे। तो लेट के जो चांद देखते थे तारे देखते थे तो कितना अच्छा, बड़े मजे आते थे भाई। बहुत ही मिस करती हूँ मैं वे दिन। वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है चांद। मन खुश हो गया बस चांद को देख के। एकदम बढ़िया बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए पीयू भी आई है। पीयू बेटा कैसा लग रहा है मून? अच्छा लग रहा है। इसे देख लो इस मून को। ए भाई कैसा लग रहा है मून? वीरा को
ये करते हो, चलो देखते हैं, चलो भागी दौड़ी करो थोड़ा सा भाई। और आप सब बताइए आपके परिवार में सब कैसे हैं? और आप सबकी सर्दियाँ कैसे जा रही है? बीमार तो नहीं हो गए हो भाई? क्योंकि आजकल टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरी छोटी बहन के टाइफाइड हो गया था काफ़ी, तो अब तो खैर ठीक है। आप सब भी भाई अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और भाई देखिए, मैं सर्दियों में सब जल्दी घरों में घुस जाते हैं और यहाँ बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है भाई। बस एक आध पर्सन कोई दिखाई दे रहा है, एक आध बाइक दिखाई दे रही है बस। देखिए पूरा सन्नाटा है। अरे बेटा नहीं पियो, नहीं नहीं ये कोई टाइम नहीं है बेटा, ठंड लग जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। चलो हमने मून तो देख लिया, चलो यहाँ से तो नहीं दिख रहा, यहाँ से भी दिख रहा है ये रहा। वाह बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, सच में मजे आ गए। हमारे पीछे पीछे नहीं आता मून, हाँ चढ़ना नहीं है बेटा, पहनो चप्पल जल्दी से। चलो चलो ठंडी होगी ठंडी। ओ कितनी फास्ट स्कूटी भगा रखी है बताओ भाई रोड पे। चलो अब पापा आने वाले हैं, चलो देखते हैं आज पापा कुछ सरप्राइज लेके आएंगे। आज भाई इसके पापा का फोन आया था, ये कह रहे थे कि कुछ सरप्राइज है गुरु के लिए खास, देखते हैं क्या लेके आते हैं, दिखाएंगे आपको भी। हाँ चलो, नहीं बाबू चलते, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, ये तो ऐसे ही करती रहेगी। चलो ना बाबू, चलो ना बाबू, चलो 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 चलो, मैं तो जा रही हूँ बाय। तो चलो देखो देख, फ्रेंड्स ये कह रहे कि ठंडी लग जाएगी, चलो अंदर ऐसे कह ले, ऐसे कह ले, ऐसे ऐसे। चलो ना बेटा, चलो भागी दौड़ी करो, मैं आपको पक्कू। चलो चलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन, पकड़ो। चलो भाई चप्पल भी अच्छे से नहीं पहन रखी। चलो भाई वीरा, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और अपना साथ ऐसे ही देते रहें। और अपने कमेंट्स जरूर करें भाई, कमेंट्स हमें आपके बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय फ्रेंड्स।